नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मल और आप सभी को स्वागत करते हैं। यह बत्तख का अंडा लेके आप दुकान वाले के पास जाते होंगे तो आपको दुकान वाले कहता होगा कि हम इस जगह से मंगवाते हैं और यह अंडा में जो है वह अंदर में पीलापन होता है, जिसको हम योक बोला बोला जाता है। योक जो है वह पीला होता है। तो कई मेरे दोस्त ऐसे हैं कि हमको फ़ोन करके और उससे पूछे थे कि इसमें जो है पीलापन कैसे आता है, हम कौन सी दवाई दें। तो देखिए, उस टाइम में तो मुझे भी मालूम नहीं था कि इसमें क्या होता है नहीं होता, क्योंकि हम गांव में ही बेच लेते थे तो फिर जो है कोई दिक्कत ही नहीं आता था। बाकी रहा कि देखिए कि जब हमने आगे दीपावली और छठ है तो इसमें अंडा जो है ज़्यादा स्टोर हो जाता, इसीलिए हमने जो है सहरसा ज़िला जाके बेच लिए। तो वहाँ पर जो है सबसे नीचे जो है वो ताज़ा अंडा था आज का ही, उसके बाद जो है दूसरे दिन का था, उसके बाद तीसरे दिन का था। तो जब वो दुकान वाले ने अंडा को टेस्ट किया, सबसे ऊपर वाले तो ठीक निकला, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया, और उससे नीचे जो है वो ठीक नहीं था, वो कह रहा था कि इसमें पीलापन नहीं है। तो देखिए, मुझे तो मालूम था कि ये जो है कौन कौन से दिन जो है ये अंडा जो है इसने ये जो है हमने स्टोर किया है। तो जो हमारा ताज़ा अंडा होता था वो सबसे नीचे डालते थे, और जो है ऊपर वाले जो है वो थोड़ा सा जो है 2 दिन पुराना होता था, ताकि पुराना अंडा बिकता रहे और नया जो है स्टोर होता जाए। तो देखिए, मैंने उसको बोला कैसा है कि सबसे ऊपर वाले जो है वो 2 दिन पुराना है, और वो उससे नीचे वाले जो है वह कल का है, और उससे भी नीचे जो है सबसे नीचे वो आज का अंडा है। तो आप भी 2 दिन रख लीजिए और आपके पास भी पीलापन हो जाएगा। तो वो भी समझ गए। तो देखिए, इसका मतलब बस यही है कि इस अंडा को आप जो है, ये फर्टिलाइज अंडा है, तो आप जो है किसी ठंडा जगह पर रखिएगा और 2 दिन आप स्टोर कर लीजिए, और तीसरा दिन जो है वो दुकान वाले के पास लेके जाइए। आपका अंडा जो है बिल्कुल सही निकलेगा, इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। बाकी रहा कि कोई दवाई यूज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 दिन रखना है और तीसरे दिन जाना है। तो देखिए, जो भाई मुझे फ़ोन करके पूछे थे यह जो है अंडा में पीलापन क्यों नहीं होता है, तो आशा करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको यह वीडियो के द्वारा मिल गया होगा। बाकी रहा कि अगर आपके भाई दोस्त कोई जो है इस लाइन से जुड़े हुए हैं और उसको भी इस तरह का परेशानी आता है, तो यह वीडियो उन तक जो है वह शेयर कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने दिल से पूछिए कि क्या कह रहा है आपको दिल। कह रहा है सब्सक्राइब करने के लिए तो कर लीजिए, नहीं कह रहा है जाने दीजिए, कोई बात नहीं। बाकी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर करे आपको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।